देखिए कमाल का बच्चा हम दिखाएंगे जो लगातार दंड करता हुआ आ रहा है। देखिए और ये चौथा साल है, मात्र ये 6 साल का है और ये मामूली बच्चा नहीं बल्कि एक डांसर आर्टिस्ट है और ऑल इंडिया रैंक में डांस कंपटीशन में 2रा स्थान प्राप्त किया है और पूर्वी चंपारण का टॉपर और ढाका का भी हैट्रिक टॉपर लगा चुका है। नाम है रुद्र गुप्ता और ये देखिए भक्ति भाव, देखिए भक्ति इधर दिखाइए, इनको दिखाइए। देखिए ये दंड लगातार 4 साल से करता हुआ आ रहा है, महज 6 साल का बच्चा है और ये देखिए भक्ति भाव, इनके पेरेंट्स ने क्या शिक्षा दिया है और क्या भक्ति भाव है कि इनके माता पिता धन्य है। इतना छोटा ये बच्चा है और देखिए दंड खींचता हुआ, छठ का महापर्व आज संध्या घाट का और ये दंड अपने घर से ये छठ घाट तक ये दंड खींचता हुआ आ रहा है। हम नाम क्या है आपका? रुद्र रंजन। कहाँ से सीखा है दंड देना? बहुत दिन से हम माता रानी के लिए दंड खींचते हैं। तो यह माता रानी हमको जीता है, उसको बहुत दिन से हम जीत रहे हैं, सुपर का जो वाला से जीत रहे हैं बहुत दिन से। कब तक दंड खींचिएगा आप? जब तक हम जिंदा रहेंगे तब। क्या नाम है? दर्शन गुप्ता। कौन लगेगा ये? मेरा भाई। भाई है आपका? आप कितने साल से कर रहे हैं? जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आप? रोहित गुप्ता है और इन्होंने अपने बच्चों को सींचा है, इस तरीके से शिक्षा दिया है कि ये मात्र 2 साल का था तभी से ये दंड देता हुआ आ रहा है और इनके पिता है रोहित जी। लड़का तो कमाल कर रहा है, भक्ति भाव ऐसा शिक्षा आपने दिया है कि 2 साल से आपके आस्था पे चलता हुआ आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके जो है चैनल को धन्यवाद देते हैं जो हम लोग को दंड देते हुए आपने देखा और इसको कवरेज करने का कोशिश किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। सब छठ परमाती की कृपा है और हम लोग ये 2 साल का था जब जन्म लिया ये, तो इसकी माता का हार्दिक इच्छा थी कि भाई मेरा जब लड़का होगा तो हम दंड दिलवाएंगे, तो 2 साल का था तब से ये दंड देता है और छठी माता की कृपा है कि ये 3 बार चंपारण चैंपियन रह गया है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में जब डांस कॉम्पिटिशन हुआ था टाटा जमशेदपुर में तो 2nd पोजीशन आया था। पढ़ने लिखने में कैसा है? पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया है। हाँ। डांस कंपटीशन में एक पहचान बनाता आ रहा है, क्या इसी लाइन में इसको सक्सेस करने का प्लान है? जी जी अगर माता रानी ने चाहा तो मेरा हार्दिक इच्छा है कि बहुत आगे तक जाएगा ये और मेरा अपना पूरा प्रयास है कि एक अपने पिता का फर्ज होने का फर्ज निभाएंगे, जहाँ तक ये जाएगा जैसे भी हो हम इसको आगे तक लेकर चलेंगे। ये ओम प्रकाश गुप्ता है और इनका ये पोता या इनका घराना कह लिया जाए, ये पूरी आस्था महापर्व में ये दंड खींचते हुए ये लोग घर से निकला है, छठ घाट पे पहुंच रहे हैं। पोता आपका 2 साल का था तभी से ये आस्था शुरू किया, कैसा लग रहा है और इस पर क्या कहेंगे? छठी माई की कृपा है, हम लोग कर रहे थे उसी तरह कर रहा। नाम बताइए? विनोद कुमार गुप्ता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा परिवार आस्था में लगा हुआ है? जी पूरा परिवार आस्था में लगा हुआ है छठी माई की कृपा से। छठ व्रतियों को और छठ करने वाले सभी व्यक्ति को दिल से जो है ना खुशी है कि मतलब इस बार हमको भी इसमें मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहेंगे कि हमको जो है ना हर साल छठी माई की कृपा हम पर बनी रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, 2.5 साल का था तब से दंड दे रहा है, इस साल उसका चौथ का साल है। कब से छठ पूजा करती हैं आप? 3 साल पहले से कर रहे हैं। अपने पापा से सीखा है। पोता आपका दंड खींच रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा।